हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं सो के उठ गई हूँ। उठ तो खैर मैं 5 बजे गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे जॉब के लिए, तो मैं उसी समय उठ गई थी। अरे, मेरा बेटा अभी सो रहा है, 3 साल का है ये। क्योंकि अभी तो 6:30 बज रहे हैं और इतनी जल्दी मैं इसे उठाऊंगी नहीं, थोड़ा सोने दूंगी। अब मैं थोड़ा सा किचन में जाती हूँ और वहाँ जा कर के लाइट्स ऑन कर दूँ। मैं यहाँ पर किचन में आके जो है अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी करती हूँ, क्योंकि मुझे गर्म पानी पीना है सुबह उठ के। और थोड़ा सा ये एफ्रेस, ये एफ्रेस है हर्बल लाइफ का, तो ये भी मैं सुबह सुबह कभी कभार ये भी ले लेती हूँ, कभी एप्पल साइडर विनेगर ले लेती हूँ, या कभी लेमन गर्म पानी में डाल करके वो ले लेती हूँ खाने के साथ। मैं पानी भर लूँ थोड़ा अपने लिए ग्लास, कि रात को मैंने भर के नहीं रखा था, तो अभी ही मुझे भरना पड़ेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी अपने लिए गर्म कर देती हूँ। ये जब तक पानी गर्म होता है मैं अपना ग्लास ले लूँ, ये वाला जिसमें मैं गर्म पानी पीऊँगी, और उसमें 2 चम्मच एफ्रेस डालूँगी या फिर एप्पल साइडर विनेगर, तीनों में से कुछ भी ले लेती हूँ। अभी मैं इसमें डालती हूँ गर्म पानी, और ये रात को ही मैंने चाय के कप वगैरह यहाँ धो के रख दिए थे, इनको भी उठा के मुझे रखना है अभी। और जब ये मैं पी लूँगी, इसके कुछ आधा घंटे बाद, मैं ये चिया सीड है जो कि मैंने भिगा के रखे थे, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। भीगने के बाद में चिया सीड, ये चिया सीड भीगने के बाद में ऐसे दिखाई देते हैं। इसको भी मैं आधा घंटे बाद ये पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे लेती हूँ। तो मेरा पानी अभी गर्म हो गया है। मैंने अपना गर्म पानी जो है कुछ छोटे छोटे टेबल स्पून इसमें आते हैं, छोटे से स्पून आते हैं इसमें, तो उसके साथ मैंने ये अपना गर्म पानी बना लिया। और अब मैं इसको पीने के लिए रेडी है मेरा ये गर्म पानी, मैं इसे पीने जा रही हूँ। और वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ एप्पल साइडर विनेगर भी। ये रहा, गिर गया डब्बा। ये एप्पल साइडर विनेगर, ये रहा, इसको भी पी लेती हूँ। ये भी इतना मैंने पी लिया है। तो ऐसे ही हम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम एफ्रेस ही लें या लेमन ही लें, या केवल हम गर्म पानी भी पी सकते हैं। सुबह सुबह अच्छा होता है कि हम गर्म पानी पिएं, ज़रूरी नहीं कि हम ये सब चीज़ें पिए, केवल गर्म पानी भी हम पी सकते हैं। अब क्योंकि मेरा क्या रूटीन है कि मैं, मेरा जो ये फ्लास्क है मेरे यहाँ, तो मैं क्या करती हूँ इसके अंदर गर्म पानी भर के रखती हूँ डेली सुबह उठ के, क्योंकि फिर पूरा दिन चल जाता है इसमें से, बच्चे को भी पीना होता है, तो मैं इसमें करके इसको भर के रख दूँ। अब मैं अपना ये गर्म पानी विद एफ्रेस इंजॉय करती हूँ। और मेरा ये मटका है, तो मैं इस मटके का ही पानी पीती हूँ। मैं फ्रिज में कभी भी गर्मी हो तो भी मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, काफ़ी साल हो गए मैंने छोड़ दिया पीना, थोड़ा हेल्थ को लेकर के ध्यान भी रखना पड़ता है। तो पानी जो है वो मटके का पीती हूँ, या फिर आर ओ वाला पी लेती हूँ, या गर्म पी लेती हूँ, बट फ्रिज का मैं नहीं पीती, अवॉइड करती हूँ, करना भी चाहिए। और अभी मेरे घर में मुझे आटा जो है वो डब्बे में डाल के रखना है वो कल लेकर आए थे हम लोग आटा चावल, तो वो मुझे अभी घर के रखना पड़ेगा, क्योंकि एक हाउस वाइफ का वो सब रूटीन का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है, तो वो तो करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा और उठ गई थी हस्बैंड के जाने के बाद में, कि जैसे ही वो अपना निकले जॉब के लिए, तो मैं भी उठ गई कि मैं भी, जब तक कुछ ये चावल आटा हम लोग कल लेकर आए थे ख़त्म हो गया था, तो उसको मुझे डालना है, कुछ दाल वगैरह भी है तो उसको भी मुझे रखना था। रात काफ़ी हो गई थी तो मैंने बर्तन वगैरह, कल कोई गेस्ट भी आए थे हमारे घर में, तो सब मैंने करके रखा है। अभी मैं ये
चावल वगैरह आप देख रहे होंगे, दिखाती हूँ मैं ये सब। ये देखिए ना, ये रखा हुआ है, ये चावल है और आटे का पैकेट है, ये रहा आटे का पैकेट। तो ये भी मुझे अभी रखना है, तो ये सब मैं रख के रखती हूँ। और थोड़ा सा सोच रही हूँ कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँ, हल्की सी तो मैं कर ही रही हूँ अभी, थोड़ा सा मेरे पैर में दर्द है तो ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, बट थोड़ा सा तो मैं करूँगी ज़रूर। वैसे मैं डेली करती भी हूँ बट अभी थोड़ा दर्द की वजह से नहीं कर पा रही। यहाँ पे पुणे में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि आपसे उठाना जाए, बहुत ही ईजिली आप आराम से उठ सकते हो, घूम सकते हो। ठंड की वजह से जल्दी घूमना मुश्किल होता है, लोग नहीं वॉक नहीं कर पाते हैं, कैसे घूमें कैसे होते हैं। बट पुणे में मौसम एकदम अच्छा, बढ़िया, मस्त है। मैं अपने दरवाजे से बाहर निकल के आई हूँ यहाँ से, और निकलने के बाद मैं देख रही हूँ कि यहाँ से मैं बाहर निकल के आई हूँ, देखती हूँ कि पानी आ रहा है। क्योंकि पुणे में क्या होता है कि एक दिन बाद यहाँ पे जो सप्लाई वाला वाटर होता है, सप्लाई वाला कॉर्पोरेशन वाला पानी को यहाँ एक दिन बाद आता है, और कल काफ़ी सारा पानी आया है, अभी भी चल रहा है शायद। तो वही मुझे पानी लगाना है, तो मैं पानी लगाने के लिए जा रही हूँ अभी नीचे। और यहाँ से मैं देखती हूँ खड़े होके, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ से सुबह का नज़ारा देखना, और थोड़ा छत पर भी मैं चली जाती हूँ सुबह। ये वाला मेरे कमरे का जो है दरवाज़ा है, मैं छत पे चलती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है छत पे सुबह के समय जाने में। कई बार मुझे ना वीडियो भी बनाने होते हैं अपने डांस के छोटे मोटे, तो वो मैं छत पे जाके मैंने बनाया है सुबह के समय पे। अच्छा लगता है, थोड़ा सा शांति होती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग भी आती है, क्योंकि जो चारों तरफ का जो एक एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी सारा पॉजिटिव होता है। सुबह ये मैं अपने छत पे आ गई, छत पे कपड़े डाले हुए हैं, ये देखिए छत पे। सुबह सुबह छत पे आने का मज़ा ही कुछ और है, अच्छी खासी रोशनी भी आ गई है। ये मेरी छत, यहाँ पर ही मैंने एक बार अपना एक डांस पढ़ने लगी कड़ाके की सर्दी, यहाँ पे शूट किया था मैंने। सुबह जब 6:30 थे, मैं कोहरे का इंतज़ार कर रही थी, यहाँ इतना कोहरा तो होता नहीं है, बट मुझे लगा कि थोड़ा बहुत कोहरा होगा तो मेरा वीडियो बन जाएगा। उस दिन था क्योंकि मैं उस दिन 6:30 बजे आई, एग्जैक्ट छत पे आ गई थी। आज तो थोड़ा सा सुबह अच्छी खासी हो गई है, ज़्यादा लोग उठे नहीं हैं, बट अच्छा लग रहा है इस समय पे छत पे आना। और ये देखिए कपड़े छत पे सूख रहे हैं, मेरे मम्मी पापा के कपड़े कल धोए थे मैंने, तो वो सूख रहे छत पे, रात को डाल दिए थे, अभी सुबह की जब पहली धूप आएगी तो सूख जाएंगे। पुणे में मौसम इतना अच्छा है ना कि मैं आपको बताऊंगी क्या, आपको खुद भी पता ही होगा ये सब चीज़ें। पुणे का जो मौसम है, सुबह का हो, शाम का हो, या फिर किसी भी समय का हो, यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा रहता है, सुहाना मौसम रहता है। और मेरा तो मन भी नहीं करता कि पुणे से जाएं, लेकिन जब हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाएगा तब जाना पड़ेगा। ये यहाँ पर हम लोग किराए पर रहते हैं, रेंट पर, हमारा अपना घर नहीं है, रेंट पर रहते हैं। तो ये मस्त है, देखिए छत मस्त मिली हुई है, बढ़िया आराम से, काफ़ी एरिया है, छत पे भी आप डांस वीडियोस बना सकते हैं, कॉमेडी वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि मैं बनाती हूँ तो मुझे कभी कभार छत की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे मिल गई छत। मैं छत पे छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कमरे में भी करती हूँ, पर छत पे मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, क्योंकि एक खुला हुआ एटमोसफियर होता है, खुला हुआ वातावरण होता है, अच्छी शुद्ध हवा होती है, पॉजिटिव वेव्स आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है छत पे। तो मैं छत पे ही थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ आज। चलिए ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।